चलिए चलिए चलो, थोड़ा इधर करना, इधर का थोड़ा सा, क्योंकि पीछे दरवाजा आ रहा है सर। सर बीच में आइए, बीच में ले लो, बीच में आओ सर, सेंटर में आइए आप सर, सेंटर में, सेंटर में आइए, आइए। रोलिंग भाई, हाँ चलो रोल, रोलिंग हाँ रोल है। चलो सर क्या कहना चाहेंगे? एक मिनट, अच्छा जाओ जी, मुन्ना जी और भी खड़े हैं, आप शोक सभा रखी, क्या कहना चाहेंगे? काफी दुखी है सब, पूरा इंडस्ट्री क्या क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि म्यूजिक से जुड़े जितने सब दुखी हैं, और देखिए सच्चाई ये है कि हम सभी को जाना है, कोई रहने वाला तो है नहीं, लेकिन बस ये है कि एक ऐसी शख्सियत गई है कि जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि उन्होंने 1980s की ईरा में जो काम किया है और जो जो गाने दिए हैं, जो जो हिट गाने दिए हैं, वो अगर एक एक गाना निकाला जाए तो अपने आप में एक एक गाना एक एक नगीना है। और उनकी गायकी का जो अंदाज़ था, मेरी जहाँ तक समझ है वो रफ़ी साहब बहुत लाइक करते, लेकिन बाद में उन्होंने अपना एक अलग स्टाइल बनाया। कुछ सिंगर्स ऐसे आए कि जो जिनको लोग ये कहते थे कि मोहम्मद अजीज़ साहब जैसा साउंड, ऐसे भी सिंगर आए कुछ मोहम्मद अजीज़ जी, जब उनका दौर चल रहा था, तो ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी आर्टिस्ट के लिए कि जब उसके जैसा लोग गाने की कोशिश करें। और उनकी गायकी से बतौर आर्टिस्ट मैंने बहुत कुछ सीखा है, उनकी शख्सियत से बहुत कुछ सीखा है। वो जब भी मिलते थे मुझे कोई ना कोई एक नया लेसन देते थे, चाहे वो लाइफ के बारे में हो, चाहे वो करियर के बारे में हो। और लास्ट जो हमारी मुलाकात, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, गुजरने से एक दिन पहले हमारे एक बहुत ही ख़ास दोस्त थे, उनके साथ उनका कॉन्वर्सेशन चल रहा था एक साथ में, तो गुजरने से एक दिन पहले उन्होंने मेरा जिक्र किया और ये कहा, उन्होंने मुझे बताया कि आज हमारे इंडस्ट्री में वो मुझे बहुत ज़्यादा लाइक, बहुत बहुत पसंद करते थे। ये मैं कोई अपनी बड़ाई महसूस बता नहीं रहा हूँ, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि गुजरने से एक दिन पहले उन्होंने मुझे याद किया। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब से उनका निकाल हुआ है मैं कंटिन्यूस मेरी गाड़ी में लूप पे उनके गाने सुन रहा हूँ, बहुत सारे गाने, अनगिनत गाने निकाल निकाल के सुन रहा हूँ, और उन गानों का मैं मज़ा ले रहा हूँ। वही बात है, देखिए कि जब इंसान चले जाते हैं तो कमी खलती है, आज उनकी कमी बहुत ज़्यादा। लेकिन सर आप, हम भी दुखी हैं, आप भी हैं, सिंगर का पूरा समाज वहाँ पहुँचा है, लेकिन कहने के क्या बॉलीवुड के लिए मोहम्मद अजीज़ नहीं थे क्या? वहाँ पे कोई स्टार नहीं पहुँचा, अगर किसी सुपरस्टार को जुकाम होता, खांसी होती है, हॉस्पिटल में नाना थे लीलावटी कहीं भी, वो वहाँ पहुँच जाते हैं क्या? ऐसा क्या जिन्होंने मील का पत्थर साबित हुआ, अनिल कपूर की हिट फिल्म में, अमिताभ की हिट फिल्म में, जिन्होंने कोई पहचानता नहीं था, उनकी फिल्म के गाने की वजह से पहचाने जाते थे, तो क्या उन गाने का फर्ज नहीं था एक बार में? या वो क्यों हर इंटरव्यू में, मैंने खुद 10 बार इंटरव्यू किया, एक ही बात कह रहे हैं, पवन मुझे गुमराह की जिंदगी, मतलब गुमनामी की जिंदगी जीना पड़ रहा है, मैं शो करके पैसे कमाता हूँ, क्या ये क्या है? एक दिन और सिंगर है चला जाता है और उसको कोई याद करने के लिए नहीं आता? लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कन्फ्यूजन ये हुआ है क्योंकि कई लोगों को ये मैसेज पहुंचा कि उनको कलकत्ता लेकर जा रहे हैं, मुझे भी यही मैसेज मिला, मैं आपको यकीन के साथ बता रहा हूँ। तो ये कन्फ्यूजन की वजह से बहुत सारे लोग ये समझे कि ना उनका अंतिम संस्कार वहाँ पर किया जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग, देखिए आज लोग उनको बहुत प्यार करते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनकी फैमिली से जुड़ना चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई उनको प्यार नहीं करता था, सब लोग बहुत प्यार करते थे। हाँ ये है कि एक इंसानी तकाजा है कि आप किसी की खुशी में ना जाएं, लेकिन दुख पे जुड़ जाएं। लेकिन सर क्या जुहू में रह के जुहू में लोगों को मालूम ना पड़े? डिजिटल जमाना है, सबको आपको लगता है अमेरिका में कुछ होता है 10 मिनट में या इंडिया में खबर हो जाती है, क्या जुहू में क्रियाक्रम हो रहा है किसी को पता नहीं, ऐसा हो सकता है? मानते बाकी लोगों के बारे में तो कुछ कह नहीं पाऊंगा, लेकिन अपने बारे में, लेकिन अमिताभ चेकअप के लिए जाता है या दिलीप कुमार जाते हैं तो उसके लिए मीडिया पहुँच जाती है, सब पहुँच जाते हैं, तो ऐसा क्यों अपने देश में ऐसा क्यों है? सर उनके बारे में मैं नहीं कुछ कहता, मैं चढ़ते सूरज को सलाम चढ़ते सीधा सीधा सवाल है, अगर चलो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो कम से कम टीवी या सोशल मीडिया जो एक्टिव है, जो भी हर चीज पे हम लोग करते हैं एक्टिविटी, जैसे ऐसा हो सकता है, छोटा मोटा ट्वीट तो हो सकता है, उनके ट्वीट की, चाहे अमिताभ उनके निधन की खबर जरूर पहुंची लोगों में,
लेकिन उनको कब मदफून किया जाएगा, उनका अंतिम संस्कार कब जाएगा, ट्वीट का सवाल। सर सौ बातों की एक बात है कि मीडिया जो है मतलब मीडिया ने दिखाया उसके बाद उसके स्टार नहीं पहुंचे अभी तक, एक भी ट्वीट नहीं आया सबसे बड़ी उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, गाना कौन सा गाना गाना सर सर कुछ कुछ गाना ज्यादा गाना उनके रंजी बस बस सर एक मिनट रुकना है गाने बोल रहे हैं रुकना है सर आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद, याद आने से पहले चले आए और फिर जाए जान जाने के बाद, आज कल याद। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर।